धीरे धीरे पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने की तरफ बढ़ रहे तालिबान अब काबुल के बेहद करीब है। गजनी के बाद हेरात और कंधार पर भी तालिबान का कब्जा हो चुका है और कंधार के गवर्नर के महल में तालिबान लड़ाकों की भीड़ दिखाई दी। महल का जो वीडियो सामने आया उसमें गवर्नर के खूबसूरत सोफे और मखमली कालीन पर तालिबान के लड़ाके बैठकर फल और काजू खाते दिखे। खबर है कि जिस गवर्नर का इस महल में हुक्म चला करता था उसे तालिबान ने बंधक बना लिया है। राजधानी काबुल के बाद अफगानिस्तान के सबसे बड़े शहर कंधार की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। केवल तालिबान बंदूकों के साथ घूमते दिख रहे हैं और थोड़ी थोड़ी देर में गोलियों की आवाज सुनाई देती है। कंधार की ये तस्वीरें काबुल को डराने वाली हैं क्योंकि पिछले 8 दिन में तालिबान ने अफगानिस्तान की सरकार और सेना की हर नीति को नाकाम किया है। हालांकि जानकार इसके पीछे पाकिस्तान की चाल मान रहे हैं। जिस प्रकार से इन्होंने तालिबान ने इस प्रकार का काम किया है इससे साफ जाहिर होता है कि प्लानिंग जो है ये उनकी नहीं है। ये एक बहुत ऊंचे लेवल की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है और इसमें साफ पाकिस्तान की सेना का हाथ दिखाई देता है। पूरे अफगानिस्तान में अब गनी सरकार से ज्यादा तालिबान का कब्जा है। देखिए ये जो ब्लू एरियाज हैं, जो ब्लू में हैं, ये एरिया जो हैं, ये इस समय पर अफगानिस्तान सरकार के कंट्रोल में है। लेकिन आप देखिए ये जो येलो एरियाज हैं, ये येलो एरियाज तालिबान के कंट्रोल में है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कम से कम 70% का जो एरिया है ये अभी तालिबान के कंट्रोल में आ गया है। कंधार से पहले तालिबान को एक और बड़ी जीत मिली।